मैं आपका दोस्त सुनील टेक्नी है गुरु से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नी है गुरु सुनील में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मदरबोर्ड के सीपीयू फ़ैन रिपेयर करें। आप ये देख रहे होंगे ये मेरे पास सीपीयू फ़ैन है और मैंने मदरबोर्ड को ऑन भी कर लिया है। देखिए मैंने मदरबोर्ड को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद क्या हो रहा है देखिए, इसमें मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी कोई मूविंग नहीं है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको मदरबोर्ड से डिसकनेक्ट कर लेंगे। डिसकनेक्ट करने के बाद आपको ट्वीज़र की सहायता से इसके जो लॉक होते हैं आप देख रहे होंगे, इसके जो लॉक होते हैं ये देखिए, ये जो लॉक होते हैं उन लॉकों को आपको ओपन करना है। कैसे ओपन करना है देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, एक ट्वीज़र आपको लेना है। ट्वीज़र लेने के बाद इसके जो लॉक होते हैं ये, इनको हल्का सा दबा के ये करना है, तो ये लॉक इनके अनलॉक होने लगेंगे। ये आप देख रहे हैं, देखिए मैंने इसके लॉक ट्वीज़र से ये कर लिए हैं और ये आसानी से ये देखिए ऊपर को आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका लॉक, ये देखिए आसानी से ये अनलॉक हो गया है। तो ऐसे करके सभी लॉक आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने देख रहे होंगे ये चारों लॉक मैंने ओपन कर लिए हैं, और ओपन करने के बाद ये होता है इसका हीट सिंक बेस होता है जो आपके प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, और जो ये आप देख रहे होंगे ये होता है हीट सिंक ऑब्जर्व करने के लिए, इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये फ़ैन निकल के बाहर आ गया है, तो फ़ैन को क्या करना है, पहले अपन को इसका जो लॉक आपको ये दिख रहा होगा इस स्टीकर को पीछे से निकालना है। ये देखिए मैंने स्टीकर को निकालना है, निकालने के बाद इसका यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होता है, ये इसका लॉक होता है। तो इसको ये कई फ़ैनों में क्या होता है, इसका लॉक होता है रबड़ का, तो उसको बाहर करेंगे तो ओपन हो जाता है, इसमें है नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ से तेल की 2 या 4 बूंदें यहाँ डालेंगे, और ये देखिए बहुत टाइट, काफ़ी टाइट घूम रहा है, तो वो थोड़ा लूज हो जाएगा और ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। देखिए मैं इसमें ऑयल की 2-1 बूंद यूज कर रहा हूँ, देखिए मैं इसमें 2-1 बूंद ऑयल की यूज करी है, आप कोई सा ऑयल यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देख काफ़ी थोड़ा लूज होने लगा है, तो इसको थोड़ा सा करेंगे और मदरबोर्ड को ऑन करके अब इसको इसमें लगा के चेक करेंगे। देखिए मैंने इसको ऑयल किया है, तो ऑयल करने के बाद ये देखिए काफ़ी लूज हो गया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए, और देखिए फ़ैन ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। सिर्फ ऑयल थोड़ा सा मैंने यूज किया है, यूज करने फ़ैन वर्किंग कंडीशन में आ गया है। और इसको मैं फ़िट करना आपको बताऊँगा कि इसके बेस में कैसे आप इसको फ़िट करें। ये देखिए मैंने इसको मदरबोर्ड को बंद किया, इसको यहाँ से निकाल लिया है। निकालने के बाद आप देख रहे होंगे इसका जो बेस होता है, इसको लगाने का तरीका यही है जैसे अपन ने इसको ओपन किया है। इसके लॉक ये देखिए मैंने यहाँ से किए, देखिए मैंने इसको यहाँ से किया करने के बाद ये देखिए इसका इसको लॉक डाल के इसको हल्का सा, ये देखिए मैंने यहाँ से इसको लॉक कर दिया है। ये देखिए ऐसे सभी जितने भी ये रहेंगे, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से किया, इसको करने के बाद इसको लॉक करेंगे जो इसको जैसे जैसा खोला है। ये देखिए इसको लॉक लिया मैंने, यहाँ इसको इसको इसमें फिट किया। फिट करने के बाद क्या होता है इसका, इसका ये देखिए लॉक आ गया है, तो इसको और थोड़ा प्रेस करने के बाद इसको दबा देंगे तो ये लॉक फिट हो गया। ये देखिए लॉक फिट हो गया, तो आप ऐसे इसको घर पे इसको फ़ैन को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।